23 दिसंबर 2022 के अव्यक्त इशारे हैं। बाप दादा सदा कहते हैं कि जिस भी सेंटर पर माताएं होती है वह सेंटर सदा फलीभूत होता है। चाहे कमाए नहीं लेकिन दिल बड़ी होती है, भावना बड़ी होती है, तो बाप भी भावना और सच्चे दिल को पसंद करते हैं। भोले बाप को राजी करने का साधन है सच्चे दिल। सच्चे दिल बाप को क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि बाप को कहते ही हैं सत्य, गॉड इज ट्रूथ, कहते हैं ना। तो बाप दादा को साफ दिल, सच्चे दिल वाले बहुत प्रिय हैं, ऐसे है ना। साफ दिल हैं, सच्चे दिल हैं, सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। ओम शांति। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, सच्ची भावना, सच्चा दिल मतलब सच्ची भावना। भावना से जितनी भावनाएं होती है ना, श्रेष्ठ भावना उतनी बरकत होती है। शुरू की वो बाबा जो कहते हैं माताएं होती थी तो उस समय बंधन तो सबको बहुत थे, विशेषकर माताओं को। तो गेहूं जो भी अनाज जाता पीसने को जाता था उसके पहले निकाल लेती थी बाबा के लिए और पोटली में बांध बांध के रखती थी, और मधुबन जाएंगे बाबा को देंगे। अब सबके लिए तो नहीं होता है, 150 लोग होते थे मधुबन में समझ लो, पर बाबा के लिए निकालना। तो कितनी सारी हमने स्टोरी सुनी है कि बाबा कितना प्यार से ये होता है। तो भावनाएं बहुत पावरफुल चाहिए, भावनाएं सच्ची चाहिए, और जहां सच्ची भावना होगी तो वहां बहुत बरकत होती है। और कोई कहे कि नहीं है मेरे पास, नहीं है उसमें भी थोड़ा है, या नहीं है थोड़ा है उसमें से भी निकालना बाबा के लिए, इसको कहते भावना। कि भाई नहीं है, और सचमुच ऐसे भावनाएं वाले बाबा के बच्चे रियली बहुत है, इसको भावना। तो इसलिए एक तो बहुत बाबा के लिए भावनाएं, बाबा को क्या चाहिए, भगवान भावनाएं देखता है। और मतलब जैसे बाबा कहते हैं ना, एक गरीब का एक, तो हर कोई का यथाशक्ति है। और एक ईंट और साहूकार का 1,000, अब साहूकार कहे कि चलो एक ईंट मेरी हो तो वो प्रोपोर्शनेट होगा, भगवान भावना की बात है ना। तो इसलिए भावनाएं बाबा ये लिटरेचर की सेवा जब फ्री में देते थे बाबा लिटरेचर में, तो बाबा कहते थे कि भगवान के महावाक्य को बेचोगे तो फ्री में देते थे लिटरेचर। तो फिर कोई पूछता था, फ्री में देते हैं तो पूछते हैं ना कभी, कोई ऐसा निकल आता है तो बाबा कहते कि उनको बोलो कि भाई भगवान के महावाक्य है, इसमें आप क्या कर सकते हो। तो फिर वो कहते कि आप जो भी देंगे, बाबा प्राइस नहीं बताते थे, आप जो भी देंगे उससे हम और यही और छपाएंगे। और कभी बाबा कहते उनको बोलो कि आप ऐसे करो, आपका दिल है, भावना है, तो और इतना 500 और छपा दो। शुरू शुरू में तो बहुत प्रिंटिंग का प्रॉब्लम भी होता था, तो बाबा ये प्रिंटिंग में बहुत फोकस कर देते। तो इसलिए जैसे बाबा सच्ची दिल और श्रेष्ठ दिल, सच्ची भावना। कभी बाबा जैसे आते थे, वो कोई 100 रुपया बाबा को, कोई कुमार आता था 100 रुपया बाबा को देता था, बाबा पूछते थे कितना है क्या है, तो बताते थे, बोला देखो ऐसे करो 50 रुपया तुम सेविंग रखो, 50 रुपया यज्ञ में रखो। मतलब बाबा युक्ति भी सिखाते थे लेकिन सच्ची भावना से जो करे। तो जहां सच्चाई होगी वहां, और वहां बरकत देने वाले जहां देंगे वहां बरकत होगी, लेकिन खुद में भी बरकत होगी। अगर हम रियल सच्ची भावना से करते हैं तो वो हमारे यहाँ भी बहुत बरकत होती है, केवल बाबा के पास नहीं, वो तो है।
क्योंकि किसको दे रहे हैं, किसके प्रति मेरी भावना है, जो जो पूरा सच्चाई का सागर है उसको सब पता है। बाबा के हम वारिस है तो बाबा भी तो हमारा वारिस है ना, तो बाबा हमारा वारिस है तो बाबा वारिस की तरह भी तो ट्रीट होना चाहिए। सच्चे दिल, तो सच्चे दिल बाबा को बहुत प्रिय है, सच्ची भावना। इसलिए जो भी सेवा करो कभी भी, भावना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सेवा के प्रति मेरी भावना क्या है, कि बाबा के लिए है, सच्ची भावना से करें। इसलिए तो ये होमवर्क करेंगे, यज्ञ के प्रति और भाव बाबा के प्रति सच्ची दिल रखने वाली विशेष आत्मा। और ये तो भगवान हाजिर नाजिर वाला कर ही रहे हैं ना बार बार, 10-10 times, दो कभी भी कोई हमको सुनाता भी है ना, तो हमको भी जो भी जब भी ऐसे सुनाता है कोई, तो हम बाबा को हाजिर कर रखते थे, मैं थोड़ी सॉल्व कर सकती हूँ, बाबा आप सुन रहे हो ना बाबा सुनो करो, यही हमको सिखाया, प्रैक्टिस हमको भी यही सिखाया बड़ों ने कि हम लोग ऐसे करते हैं तो हम भी सुनते तो बाबा को बोल देते, इस आत्मा को शक्ति देनी है, शांति देनी है, बाबा हाजिर नाजिर। तो ये पुरुषार्थ करना है, ये तो बहुत अच्छे से कर रहेंगे, नजर भी आता है, हाजिर हाजिर है नहीं बोला है, सिर्फ नाजिर, नजर आता है सबको कि हाजिर है बाबा, सिर्फ नजर भी आए, हाजिर और नाजिर भी है, ऐसे बाबा दिखे अदा, अच्छा इधर बाबा चल रहे, इधर बाबा की किरणें पड़ रही है देखो, अच्छा बाबा वहां बैठा है, उधर धूप में बाबा बैठा है, ऐसे नजर आए बाप दादा। हुआ भाई विनोद भाई, करा प्रैक्टिस कभी? नहीं किया हा? हाजिर नाजिर है, नजर नजर आए, बहुत नजर आए। हम तो बहुत सुबह से पूरा पुरुषार्थ करते, अमृत वेले से बाबा के इस हॉल में बाबा को इमर्ज रखते हैं, बहुत करते हैं, पूरा टाइम भी बाबा चल रहे हैं, कब बाबा बैठा है, इधर हम बैठे उधर बाबा बैठा है, उधर देख देखभाल करता है, ये पुरुषार्थ कर, बहुत फीलिंग होगी जैसे बैठा है घर में बैठा है, बूढ़ा बाबा बैठा भी होता है ना तो भी रक्षा होती है, ऐसा होता है। ठीक है, तो हाजिर और नजर आए, नजर आए वैसे करो।